हाय दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक जाना माना प्रोडक्ट बेटनोवेट-सी के बारे में। ये एक एंटीसेप्टिक क्रीम है जो मेरी मम्मी मुझ पर लगाया करती थी जब मेरी चिकन पॉक्स हुए थे, तो उसके डार्क स्पॉट रिमूव करने के लिए। ये वैसे और भी कई जगह पे इस्तेमाल हो सकता है, आपका कहीं कट गया हो, छिल गया हो या फिर जलन जल गया हो, वहाँ पर आप इसे लगा सकते हैं और आई एम श्योर आप 2 दिन में ही राहत पा लेंगी। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे हर घर में रहना चाहिए। ये एक पुराना प्रोडक्ट है जो GSK कंपनी बनाता है। GSK कंपनी एक जाना माना है जिसके और भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किया है और ये एक ट्रस्टेड प्रोडक्ट है मेरे लिए। तो आइए इसका रिव्यू करते हैं। इसका फुल नेम है बेटामेथासन एंड क्लायोक्विनोल क्रीम BP। ये 30 ग्राम्स क्वान्टिटी है और इसका प्राइस है 40 रुपीज़। ये बजट फ्रेंडली है ऑफ कोर्स, और इसका डोज एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन, पर मैंने आपको जैसे बताया कट गया छिल गया वैसे भी आप लगा उस पर भी आप लगा सकते हो। अगर फिर भी आपको डाउट है तो जी ज़रूर आप फिजिशियन का सलाह भी ले सकते हैं। और इसे बताया गया है कीप इन अ कूल प्लेस एट अ टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमात्रा पे इसे ना रखें। डू नॉट फ्रीज, इसे फ्रीज ना करें। प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, इसे रोशनी से बचाए। इसमें जो जो है वो ये है कि बेटामेथासन वैलेरेट IP इक्विवेलेंट टू बेटामेथासन जो है 0.10%, क्लायोक्विनोल IP जो है 3%, क्लोरोरेसोल IP जो है 0.1%। इसे रखा गया एज प्रिजर्वेटिव इन अ नॉन ग्रीसी बेस। ये नॉन ग्रीसी के लिए ये इंग्रेडिएंट ऐड किया गया है। नॉन ग्रीसी होता है जो चिपचिपाहट ना दे, और ये बोला गया है टू बी यूज्ड ओनली अंडर मेडिकल सुपरविजन, कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों से इसे ज़रूर दूर रखें। बच्चे पता नहीं इसे मुंह में भी कंज्यूम कर सकते हैं या फिर कहीं पर भी लगा सकते हैं, तो बच्चों से इसे ज़रूर दूर रखें। और जैसा मैंने आपको बताया आप वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, मेरे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। मैं इसे हमेशा कैरी करती हूँ और मैं इसे देना चाहूँगी 10 में 9।